गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे आपकी बुक व्याकरण का लेसन नंबर 7 संज्ञा। क्वेश्चन है आपका बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। पहले हम करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि लाल किला, लाल किला क्या है? किसी भवन का नाम है। कुतुब मीनार भवन का नाम है। फिर है जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, शिमला, हिसार, सिरसा, कुछ भी, ये क्या है? किसी स्थान का नाम है। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? नदियों के नाम है। ऐसे ही किसी भवन का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, नदी का नाम आ जाए, मतलब कि किसी का नाम आ जाए, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है बच्चों आपका जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शहर, देश, पर्वत। जैसे शहर है बच्चों, मान लो अगर मैं शहर का नाम आ जाता सिरसा, तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। बट यहाँ पे क्या है? सिर्फ शहर दिया हुआ है, तो ये क्या होएगा? जाति, क्योंकि शहर तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। फिर है जैसे देश, पर्वत, नदी। नदी का नाम तो नहीं आया, सिर्फ नदी लिखा हुआ है, तो नदी क्या है? जातिवाचक। अगर नदी का नाम आ जाता है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे है बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध हो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन है, तो क्या है इसकी? दशा है कि बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, यौवन है, कुछ भी, ये क्या है उसकी? दशा। फिर है उसके बारे में कोई क्वालिटी बताई गई हो, गुण बताया गया हो, या फिर उसका दोष बताया गया हो कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सूरत है, वो बहुत कायर है, वो बहुत वीर है, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत क्यूट है, ये तो क्या है? इसके गुण दोष है, तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। या मैं उसके नेचर के बारे में बात करूँ कि वो बहुत गुस्सेल है, वो बहुत क्रोध करता है, वो बहुत घृणा करता है, ये क्या है? भाव है, ठीक है? तो ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण का पता चले, उसके दोषों का पता चले, उसकी दशा का पता चले, उसकी अवस्था का पता चले, इन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब आप सभी ने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बच्चों लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं बच्चों। थैंक यू।